नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं भूमाग अपडेट्स के साथ और मैं हूं रशपाल सिंह। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो कॉन्स्टिट्यूंसी का मुद्दा है, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर ये तीनों ब्लॉक भूमाग के जो पंचायत मोंगरी और ब्लॉक भूमाग के लोग जो है जो एक जोर शोर से जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ पंचायतों के जो है रेजोल्यूशन भी जो पास होकर सामने आए हुए हैं। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंचायत साड़ी के सरपंच श्री तीर्थराम जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इन्होंने आज एक बैठक जो है की अपनी पंचायत की सारे जो पीआरए मेंबर्स थे उनके साथ, और क्या कुछ बातचीत हुई और क्या कुछ जो है जो फैसले लिए गए कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर हम इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका भूमाग अपडेट्स में। जी तो सर, ये बताइए कि आज की जो बैठक थी इसमें कितने लोग शामिल हुए और क्या कुछ फैसले लिए गए कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर? हमारी आज एक बैठक हुई पंचायत हल्का साड़ी के अंदर, जिसमें हमारी पंचायत के मेंबर्स और आवाम लोग शामिल हुए। उसमें हमने एक रेगुलेशन पास किया है। वो रेगुलेशन इस चीज के लिए है कि जैसे कि हमारा ये भूमाग है, मोंगरी का जो भूमाग है, पंचारी भूमाग है, ये तीन ब्लॉक पड़ते हैं, ये मतलब पहाड़ी एरिया है। हम चाहते हैं कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी हमने बनानी है, इसके लिए हमने एक रेगुलेशन पास किया हुआ है। तो मेरी अपील है कि हमने तो बना लिया है, मेरे ब्लॉक के अंदर काफी सारे बन चुके हैं, लेकिन मेरी पंचारी वालों से भी अपील है, मोंगरी वालों से भी अपील है कि आप भी इसी तरह का कार्ड तैयार करें और जल्दी से जल्दी हम कहीं गवर्नर के पास या कोई सेंटर की टीम आती है तो हम वहां पे पेश हो सकें, ताकि हमारे पास सरकार होगा। हमने जितने हमारे तीन ब्लॉक हैं, हमने वहां के चेयरमैन साहब हैं उनसे मेरी अपील है, सरपंच साहबान से, पंच साहबान से, सब मिलकर हमने ये तय कर लिया है कि हमने ये कॉन्स्टिट्यूंसी पहाड़ी एरिया है, डिपार्टमेंट नहीं हुई है। जब ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी पहाड़ी एरिया की बन जाएगी तो हमारी काफी डिपार्टमेंट होगी, इसलिए हमने ये रेगुलेशन पास किया है। और इसको बनाने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाने के लिए जहां तक जाना पड़ेगा हम जिद्दोजहद करेंगे इसके लिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कॉन्स्टिट्यूंसी का मुद्दा है जो इसको लेकर जहां तक भी जाना होगा तो सरपंच तीर्थराम जी ये भी तैयार हैं। लेकिन सर, जैसे बात करें हम पंचारी और मोंगरी की, तो इनके जो है खास करके बीडीसी चेयरमैन है वो कहीं ना कहीं अभी तक जो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। ब्लॉक भूमाग के चेयरमैन साहब की हम बात करें अशोक ठाकुर जी की, तो वो कहीं ना कहीं खुल के जरूर सामने आए हुए हैं कि क्योंकि हम किसी भी पार्टी और जात पात को छोड़कर हम पहले जो है अपने जो है इलाके की बात करेंगे, इलाके की भलाई की बात करेंगे। तो इनके लिए स्पेशली क्या मैसेज रहेगा कि इन्हें किस तरह से अपना काम करना चाहिए? मेरे बहुत दोस्त हैं चेयरमैन साहब पंचारी वाले, जीवन शर्मा जी, हम बीजेपी के अंदर भी इकट्ठे रहे हैं बहुत देर से, तो मेरी उनसे भी अपील है कि हमने भूमाग एक लांदर भूमाग एक मोंगरी भूमाग से हमारा भूमाग ये सारा भूमाग ये, मेरी उनसे भी अपील है कि हमारी मदद करें, ये कॉन्स्टिट्यूंसी एक बन जाएगी तो हमारा इस इलाके का भी भला हो जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा। बाकी जो हमारे चेयरमैन है तलाली वाले, तो वो तहसीलदार साहब भी बहुत हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन वो करेंगे ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी अपील है उनसे कि कम से कम हमने ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने के लिए आगे आना ही चाहिए, इसीलिए हमको सरपंच बनाया, चाहे चेयरमैन बनाया, चाहे पेंचेस बनाए, लोगों के उम्मीदों पे हम खड़े उतर सकें। उम्मीदों पे ऐसे ही उतरेंगे जब हम सारे इकट्ठे हो गए जहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी भूमाग की बनाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी थे सरपंच श्री तीर्थराम जी, और इनका साफ साफ कहना है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूंसी की जंग है वो काफी हद तक, जितनी हद तक भी जहां तक भी जाना होगा तो हम उसको लड़ने के लिए तैयार है, और जिस भी हाई अथॉरिटी तक जहां भी जाना होगा तो हम जाने के लिए भी तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं जो मोंगरी और पंचारी ब्लॉक के जो चेयरमैन साहब हैं उन्हें इनका जो साफ साफ जो है अपील है, रिक्वेस्ट है कि जो अपनी जो ब्लॉक के जो जितने पीआरए मेंबर्स हैं उनसे संपर्क साधे और जल्द से जल्द जो है रेजुलेशन है जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर वो पास करें, और ताकि जो जल्द से जल्द हम हाई अथॉरिटी तक पहुंच सकें और अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी का मुद्दा है इसको कहीं ना कहीं हल करवा सकें। तो आप देखते रहिए भूमाग अपडेट्स। जय हिंद।